अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रमजान के महीने में तुर्की करेगा 35 देशों के जरूरतमंदों की सहरी और इफ्तार का इंतजाम। तो प्यार दोस्तों बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस से पूरा दुनिया परेशान है। मेरे प्यारे दोस्तों, देश कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए देश में 3 मई तक का लॉकडाउन चल रहा है। दोस्तों इस्लाम का पाक महीना रमज़ान शुरू हो गया है। इस महीने में मुस्लिम समाज के लोग रोज़े रखते हैं और इबादत करते हैं। मुसलमानों के अलावा कई दूसरे मजहब के लोग मानने वाले जो लोग हैं वो भी रोज़े रखते हैं। दोस्तों कई बार ये रोज़े महज इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने किसी मुस्लिम साथी का सम्मान करना चाहते हैं, तो कई बार इसलिए भी होते हैं। हमेशा से ही गरीबों की मदद करने वाला देश तुर्की इस बार भी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के मुताबिक तुर्की के धार्मिक प्राधिकरण ने कहा है कि रमज़ान महीने की शुरुआत होने की वजह से तुर्की दर्जनों समेत कई देशों की मदद करेगा। एक संवाददाता सम्मेलन में प्रेसिडेंसी ऑफ रिलीजियसन अफेयर्स के प्रमुख अली अब्बास ने कहे हैं कि रमज़ान शरीफ के दौरान राष्ट्रपति पद की नीतियों पर बात की और इसके साथ ही कोरोना वायरस महामारी के बीच जो भी धार्मिक कर्तव्यों का पालन किया गया है जिसने दुनिया भर में हज़ारों लोगों को अपनी ज़िंदगी से प्रभावित किया है। अब्बास ने आगे कहे हैं कि रमज़ान शरीफ के महीने के दौरान तुर्की 35 देशों के ज़रूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा है कि 2019 में निदेशालय ने 98 देशों में सहायता की थी, लेकिन इस साल 35 देशों को सहायता प्रदान करेगा। तुर्की में कोरोना वायरस से होने वाले लोगों की संख्या 2376 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री फखरुद्दीन कोज़ह ने कहे हैं कि कोविड-19 से पिछले 24 घंटे में 117 से अधिक मौतें दर्ज की गई है। देश भर में कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन जारी है। ऐसे में सऊदी समेत कई देशों ने रमज़ान महीने में होने वाली नमाजों के लिए भी घर पर रहने की अपील की है। रमज़ान महीने की शुरुआत 24 अप्रैल से हो गई है। वहीं सऊदी में 24 अप्रैल को एक रोज़ा होगा और पहली तरावी भी हुई। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के मामले तुर्की में लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। तुर्की मीडिया के मुताबिक तुर्की में अब तक 1 लाख से अधिक कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 2500 से अधिक मौत हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। दुनिया में मरने वालों की संख्या कोरोना से 2 लाख को पार कर गई है। इसमें अमेरिका में 50,000 से अधिक मौत हो चुकी है। वहीं इटली में भी 25,000 से अधिक मौत कोरोना से हुई है। तो प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों कोरोना जो बीमारी चला हुआ है, ये जो वायरस है, अल्लाह तबारक व तआला से रमज़ान का महीना चल रहा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इस मुसीबत से हम सबको निकाले और इस बीमारी से हम सभी को शिफा दे। और जो भी जिसको भी है अल्लाह ताला उनके घर वाले को शबर अता दे और जो भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं उन्हें लड़ने की ताकत दे। तो ठीक है दोस्तों, ज़रूर आप लोग भी दुआ कीजिएगा। दुआ करके कमेंट्स बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, हो सके किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।